स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो में, जो कि मैं अभी जा रहा हूं एक नए सफ़र पे। तो दोस्तों मैं जो कि अभी पिछले वीडियो में महाकाल होके आया, तो वहां का मैंने कुछ थोड़ी वीडियो बनाई, कुछ थोड़ी क्लिपें थी जो कि कुछ फ्रेंड्स साथ में थे तो बनाने का मौका नहीं मिला। तो आज मैं कोशिश करूँगा, जो कि मैं दापोली जा रहा हूँ, महाराष्ट्र स्थित एक जगह है जो समंदर के नज़दीक है दापोली, और वहाँ पर एक क्षेत्र है हरने, उसी जगह जा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं जा रहा हूँ वहाँ पे, तो मैं एक बात आपको बताना भूल गया था लास्ट वीडियो में कि मैं जब महाकाल गया था तो मैं ड्रोन साथ में लेके गया था। ड्रोन मतलब मैंने आपको जो वादा किया था मलेशिया में कि मैं जो भी जो वीडियो बनाऊँगा तो वो एक मेरी वीडियो उसमें कंपल्सरी ड्रोन की होगी ही होगी। बट हुआ क्या, वहाँ पर 15 मीटर का रिस्ट्रिक्शन था ड्रोन उड़ाने में, तो मैंने फिर आने के बाद यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर से उसे अच्छा किया और उसका रिस्ट्रिक्शन निकाल दिया, तो 120 मीटर का अभी ड्रोन फ्लाई होता है। तो इसीलिए अभी इस टूर में, जो कि बहुत ही ग्रीनरी में है और बहुत ही खूबसूरत जगह से होके हम जा रहे हैं और जाने वाले हैं, तो वहाँ पे मैं कुछ ड्रोन के वीडियो बनाऊँगा, कुछ व्लॉगिंग करूँगा। तो जैसे भी हो सके तो आप थोड़ा सा एडजस्ट करना कि मतलब मैं ड्रोन की वीडियो पहली बार बना रहा हूँ, मैंने पहले कभी ड्रोन की वीडियो बनाए नहीं थे। तो देखिए ये ऐसी जगह है, इतनी ग्रीनरी है यहाँ पे, बारिश का मौसम है, बारिश का मौसम है तो बहुत ही अच्छा क्लाइमेट है। और आगे क्या क्या होगा सफ़र में ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं, देखिए रास्ते में से कैसे खूबसूरत नज़ारे है और कितनी ग्रीनरी है इस जगह पे, जो कि हम लोग पुणे से भोर की तरफ आए हैं और भोर से हम वरंदा घाट सेक्शन है उस तरफ से जा रहे हैं, वहाँ का ये रोड है। भोर से तकरीबन आगे हम एक 8-10 किलोमीटर आए हैं, जो कि यहाँ पे बहुत ही अच्छा इलाका है। देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक एरिया है, जो कि बहुत ही ग्रीनरी है और बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत सा नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है। और यहाँ पे अभी बारिश के दिन है तो चावल की खेती काफ़ी सारी है, क्योंकि जो कोंकण का ये जो पार्ट है यहाँ से शुरू होता है, तो कोंकण शुरू होता है तो चावल की खेती बिल्कुल यहीं से शुरू हो जाती है पूरे कोंकण की तरफ। तो यहाँ पे देखिए कैमरे में कितना दिखाई देगा पता नहीं, बट उस तरफ कुछ घर है लोगों के रहने के, और इस जो दूर दराज के इलाके के घर होते हैं, जो रूरल एरिया के मतलब होते हैं, वैसे ही बहुत ही खूबसूरत घर है और पहाड़ी इलाका है बिल्कुल। और ये रेनी सीज़न होने के कारण अभी मौसम पल भर में छाँव पल भर में धूप, ऐसा धूप छाँव का खेल शुरू है। तो ये जो वीडियो है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, तो आप लोगों ने मेरा पहला भी वीडियो देखा होगा जो कि मैं हरने गया हुआ हूँ। ये मैं गया था शायद 1-2 साल पहले, ऐसा मुझे लग रहा है 1-2 साल पहले ही होगा। तो हम लोग फिर से वहाँ पे जा रहे हैं एक नए टूर पे, एक नई कोशिश करने कि नए अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। तो मैं कोशिश करूँगा जितना हो सके उतना। देखिए यहाँ पे पिकॉक की भी आवाज़ आ रही है, मोर की आवाज़, मतलब आप समझ लेना कि ये कितना जंगल जैसा इलाका है।
देखिए दोस्तों, भोर से तकरीबन 10-15 किलोमीटर की आगे 10-15 किलोमीटर के आगे एक डैम है नीरा देवघर, वहाँ पे हम लोग पहुँच गए हैं। लेकिन यहाँ पे बारिश इतने ज़ोरों की है कि ना तो व्लॉगिंग करना आ रहा है ना तो गाड़ी चलाना आ रही है। बहुत ही ज़ोरों की बारिश है, देखिए बहुत ही ज़ोरों की बारिश है, बिल्कुल व्लॉगिंग भी करना नहीं आ रही। तो आगे जाओ, जहाँ पे बारिश रुकेगी वहाँ पे रुक के थोड़ा सा मैं आपको इस नीरा देवघर डैम का व्यू दिखाऊंगा। बारिश तो बहुत ही ज़ोरों की है क्योंकि आगे का बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, इतनी हेवी रेन है। तो धीरे धीरे हमारी कार चल रही है और एक बुरी बात यह है कि आगे इस जगह पे जिस घाट सेक्शन में जा रहे हैं हम लोग, जो भोर का वरंदा घाट का जो ये जो वे है, यहाँ पे वरंदा घाट में काफ़ी सारी लैंडस्लाइड होती है और कुछ एक दो साल पहले बहुत ही ज़ोरों की लैंडस्लाइड हुई है। इस कारणवश हमें थोड़ा सा डर लग रहा है, बट देखेंगे आगे अगर कुछ ऐसा लगा हमें कि हाँ भाई लैंडस्लाइड हो रही है तो हम लोग वहाँ पे रुक जाएंगे। बट ऐसा लग तो नहीं रहा क्योंकि काफ़ी सारी गाड़ियाँ आ रही है और जा रही भी है, तो देखेंगे आगे कैसे होता है। और ये बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही, बट आगे देखेंगे, अगर रुकी तो कहीं रुक के अच्छे से नज़ारे आपको दिखाने की कोशिश करूँगा मैं। देखिए इन पहाड़ियों से कितने खूबसूरत झरने बह रहे हैं और अभी जो बारिश हुई है वो बहुत ही ज़ोरों की बारिश हुई है और बारिश अभी थम गई है, लेकिन पहाड़ों से जो झरने बह रहे हैं उनकी कितनी खूबसूरत सुमधुर आवाज़ है। इन बड़े बड़े पहाड़ियों से ये झरने बह रहे हैं और ऐसे एक नहीं बहुत सारे हैं, जितना हो सके मैं उतना दिखाने की कोशिश करूँगा। जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि कभी धूप है कभी छाँव है, बस वैसा ही माहौल है। पहले बारिश हो रही थी फिर उसके बाद अभी धूप निकली है। देखिए कितनी खिलखिलाती धूप है। और हम लोग पहुँच गए हिरडोशी इस जगह पे, जो कि अभी यहाँ से जो महाड़ है, मतलब जो कि पुणे बॉम्बे जो हाईवे है वो 45 किलोमीटर है तकरीबन यहाँ से। तो वहाँ से हमें पुणे बॉम्बे रोड से जाना है आगे दापोली की तरफ। पहाड़ों से देखिए कितने खूबसूरत झरने बह रहे हैं। जैसे कि मैंने कहा था पीछे की हर जगह से झरने बह रहे हैं, पहाड़ है, पहाड़ी इलाका है, जंगल है, तो यहाँ पे झरने तो हो गए। तो इनकी जो आवाज़ है वो मुझे इतनी प्यारी लग रही है कि क्या बताऊँ। ऐसा लग रहा है कि काफ़ी देर यहाँ पे रुक जाऊँ और इनकी आवाज़ सुनता रहूँ, बट हमें आगे जाना है, रास्ता लंबा है, दूरी का है, तो रुकना तो कहीं आएगा नहीं क्योंकि हमें वहाँ पर पहुँचते तकरीबन 7-8 बज जाएंगे। जो हरने जो जगह है दापोली के आगे तकरीबन 18 किलोमीटर, तो उस जगह पे दापोली यहाँ से पुणे से है 210 या 215 किलोमीटर, 215 या 220 ऐसे पुणे से है वाया भोर। तो और काफ़ी सारे रास्ते जाते हैं, जैसे तामिनी घाट है और महाबलेश्वर से भी जा सकते हैं, ऐसे 2-3 रास्ते हैं। तो हमें ये नज़दीक लगता है, मतलब जो हम लोग रहते हैं जहाँ पे वहाँ से हमें भोर का रास्ता नज़दीक है, इसलिए हम लोग इस रास्ते से जा रहे हैं। देखिए ऊपर पहाड़ पे कितने खूबसूरत झरने बह रहे हैं। मतलब मैं सोच रहा था कि आगे
वरंदा घाट में रुक के वहाँ पे व्लॉगिंग करूँगा। वहाँ पे बहुत ही बड़े बड़े झरने हैं, बट मन ही नहीं कर रहा कि मैं रुक जाऊँ। ऐसा लग रहा है कि बस व्लॉगिंग करता रहूँ और इन खूबसूरत पहाड़ों को आपको दिखाता रहूँ। देखिए यहाँ पे एक ब्रिज आया है जो कि उस पहाड़ से जो पूरे झरने आ रहे हैं इस पहाड़ से, तो वो पूरे झरने बहके आके इस यहाँ पे इस रिवर को, इस नीरा देवघर को मिलते हैं। तो मैं आगे आपको नीचे उतर कर मैं दिखाता हूँ कि इस पहाड़ से कैसे झरने बहके आ रहे हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ अभी नीचे गाड़ी से उतर कर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए इस तरफ पहाड़ी से काफ़ी सारे झरने बहके आ रहे हैं और इस डैम को मिलते हैं, और इस तरफ से भी काफ़ी सारे झरने हैं। इस पहाड़ी को देखिए आप, कितने अच्छे वहाँ पे बादल नीचे पहाड़ी पे आए हैं, और वहाँ से नीचे देखिए यहाँ पे इस डैम को मिल रहे हैं नीरा देवघर को। और यहाँ के जो खूबसूरत नज़ारे हैं, तो इस खूबसूरत पेड़ पौधे, यहाँ पे इतना खूबसूरत माहौल है कि मतलब मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और मैं आपको बता दूँ कि पिछले कुछ एक दो साल में जो लैंडस्लाइड हुए तो इस तरफ हुई है, देखिए इस तरफ, तो वहाँ पर जो एक ब्रिज बनाया हुआ है वहाँ पर, तो ऊपर से पूरा लैंडस्लाइड हुआ था और रास्ता रुक गया था। तो वहाँ पे काफ़ी सारी दिक्कतें आई थी इस रूट को, काफ़ी सारे महीने यानी 2 महीने यहाँ पे यातायात बंद थी, जो कि लोग आने जाने में काफ़ी दिक्कतें महसूस कर रहे थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद रास्ता बन गया, लैंडस्लाइड ख़त्म हो, यातायात बंद हो गई और मतलब रास्ता रुक गया था। तो कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद रास्ता खुल गया और नए तरीके से रास्ता शुरू हो गया। और यहाँ पे जो रूट हो गया था ये रूट, क्योंकि आगे कुछ लैंडस्लाइड हुई थी, बट अभी 31 अगस्त से शुरू होगी ऐसे कहा था न्यूज़ में, बट अभी गाड़ियाँ चालू है, अभी खुलने में ही है, मतलब खुला है। लो वेट व्हीकल जा रही है, हैवी व्हीकल नहीं जा रही है। एक मेरे साथ बुरी बात यह हो गई कि मैंने जैसे ही ड्रोन को ओपन किया, जैसे रेडी किया, वैसे ही बारिश होने लगी। बारिश में इतनी बड़ी बड़े बूंद में तो बिल्कुल ड्रोन नहीं उड़ा सकते, ड्रोन क्रैश होने की संभावना है, और उसकी जो मोटर होती है उसमें अगर जलने की संभावना है। तो देखिए ये जो डैम है, ये नीरा देवघर का डैम, तो ये बहुत ही बड़ा डैम है। यहाँ से उस छोर को वो आगे जो है, मतलब जहाँ से पानी गिरता है आगे एक नदी के लिए, तो वो जगह दिख रही है, इतना यहाँ से अच्छा व्यू आ रहा है। और यहाँ पे मतलब देखिए इस पहाड़ी से बिल्कुल होते हुए पानी नीचे आ रहा है इस नाली के रूप में। यहाँ पे ये जो पाइप बिठाया है ये है पीने के पानी के लिए, ऊपर की तरफ कुछ भी गंदगी नहीं, कुछ भी नहीं। तो वो सब यहाँ पे लोगों ने उसका वेरिफिकेशन करके ही यहाँ पे ये पाइप बिठाया है, कि जो इस यहाँ पे एक होटल है ये लोग यूज़ करते हैं पीने के लिए। और काफ़ी सारे जो सैलानी होते हैं, मतलब यहाँ पे रोड से जो जाते हैं, यहाँ पे भी बोतल भर के ले जाते हैं। कुदरती पानी है, अच्छा है, और काफ़ी सारे आयुर्वेदिक गुण से भरा होगा ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि ऊपर पहाड़ से आया है तो बहुत सारी जड़ी बूटियों से मिक्स होके आया होगा पानी ये। तो यहाँ पे कुछ ये ऐसी होटल है जहाँ पे आप चाय नाश्ता कर सकते हैं और रुक सकते हैं। और मैं आगे देख रहा हूँ, देखिए इस रोड से ये जो डैम है ये देखिए ऐसे ही आगे की तरफ जा रहा है, मतलब ये छोटा डैम नहीं, बहुत बड़ा डैम है ये नीरा देवघर। और आगे वो जो झरना है वो देखिए बड़ा खूबसूरत है, वहाँ पे रुकेंगे हम, वहाँ पे ज़रूर वीडियो बनाएंगे। और उस पहाड़ी से होते हुए पानी देखिए वहाँ से कितना खूबसूरती से बह रहा है।
यहाँ इस झरने में, यहाँ पे इसका मज़ा लेने के लिए, यहाँ पे रुक के मतलब नहाने के लिए बहुत ही मज़ा आएगा। अभी हमारे पास वक्त कम है, वरना हम अगर जल्दी आते थे, यानी सुबह अगर जल्दी निकलते थे, तो इस झरने का नहाने का मज़ा ज़रूर लेते थे, जो कि बहुत ही बढ़िया यहाँ पे रुकने के लिए जगह है। झरना भी अच्छा है और बहुत ही खूबसूरत है। और एक बात है कि आप इन झरनों का अगर मज़ा लेना चाहते हैं तो आपको आना होगा पुणे से भोर, जो कि तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर है, और वहाँ से एक घंटे का रास्ता यहाँ पे, यानी आपको पुणे से सिर्फ 2 घंटे का रास्ता है, और आप इन ऐसे झरनों का, इन बारिश के दिनों में ऐसे झरनों का मज़ा ले सकते हैं, जो कि काफ़ी सारे इस रूट पे काफ़ी सारे झरने हैं, बहुत ही झरने हैं, ये एक नहीं है। तो आप यहाँ पे आके मज़ा लेके वापस भी जा सकते हैं। और जो कि ये जो पूरे बॉम्बे को जो रास्ता जा रहा है, तो इस रूट पे ही है सब। अगर आप वहाँ पे नहीं जाना चाहते तो यहाँ का भी मज़ा ले सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप वहाँ न जाते हुए यहाँ पे भी मज़ा लेके वापस पुणे जा सकते हो। पुणे से तो बहुत नज़दीक है, तो आप ऐसे इन झरनों का मज़ा लेके आप वापस पुणे रिटर्न हो सकते हैं। वन डे ट्रिप, सिर्फ वन डे ट्रिप कर सकते हो। जैसे सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग निकल जाओ, 6 बजे 7 बजे, यहाँ पे आके पूरा दिन मज़े लो और 2 घंटे में वापस पुणे पहुँच जाओ। पुणे क्या बॉम्बे भी जा सकते हो। पुणे बॉम्बे का तो यहाँ से तो बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी है पुणे से, तो उस रूट से भी आप जा सकते हो।